हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। हम उसका डेरिवेशन देखेंगे और उसके ऊपर कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। तो उन्होंने बताया कि कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड ओनली व्हेन जो लोड रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। कहने का मतलब, अगर हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है तो इस वोल्टेज सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे सर्किट में RS से डिनोट कर रहे हैं। तो RS स्टैंड्स फॉर सोर्स रेजिस्टेंस। एंड ये रेजिस्टेंस जब भी लोड रेजिस्टेंस से इक्वल होगा तभी ही मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या होने वाला है, सोर्स टू लोड डिलीवर होगा। दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। अब यहाँ पे ओम्स लॉ से अगर हम करंट निकाल ले तो वो क्या जाएगा, वी बाय आर। आर में हमारे पास आर एस और आर एल है। ये बेसिकली हम लोग थेविनिन इक्विवेलेंट सर्किट पे अप्लाई करने वाले। थेविनिन वोल्टेज जो हम कैलकुलेट करते हैं और थेविनिन रेजिस्टेंस वी टी एच, उसमें हम ये फॉर्मूला आगे यूज करने वाले। सो पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस कितना होगा, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। सो आर एल का बात कर रहे हैं तो आई स्क्वायर आर एल हो जाएगा। आई इधर से ले लेंगे, इसका स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाय आर एस प्लस आर एल द होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आर एल। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि कंडीशन कैसे आता है। सो यहाँ पे एज वी कैन सी, टू फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा, जनरल कंडीशन क्या है, जनरल मेथड क्या है जो मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं, कि आप वो पर्टिकुलर इक्वेशन को, रिलेशन को डेरिवेटिव ले लो उस पर्टिकुलर फंक्शन का। जैसे हमारे पास पावर का रिलेशन जो था, हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था, उसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेने वाले विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, एंड वी विल इक्वेट इट टू जीरो। आर एल से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर बात हो रही है आर एल की क्या वैल्यू हो सकती है। तो आर एल इज द वेरिएबल ओवर हियर। सो वी आर सपोज टू टेक डेरिवेटिव ऑफ पावर, और पावर का इक्वेशन जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड में, वी स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल द होल स्क्वायर, एंड वी हैव टू इक्वेट दिस टू जीरो। अब जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये वी स्क्वायर जो वोल्टेज है ये कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक है यहाँ पे आर एल और दूसरा है यहाँ पे आर एस प्लस आर एल द होल स्क्वायर, और दोनों में आर एल है बेसिकली। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये डेरिवेटिव में वो फॉर्मूला हो गया यू अपॉन वी वाला। और डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी का क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वी स्क्वायर वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कर लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में ये v हो गया, न्यूमरेटर वाला u है, तो डिनोमिनेटर में जो v है उसका भी हमें स्क्वायर लेना है। तो आर एस प्लस आर एल स्क्वायर ऑलरेडी था, इसका और स्क्वायर ले लोगे तो वो हो जाएगा रेस टू फोर। अब वहां पे अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u लेना है हमें, तो आर एस आर एल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर एल आ जाएगा। अब आर एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एल आपको वन दे देगा, जैसे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन देता है, वैसे ही आर एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एल आ जाएगा वन। बीच में माइनस साइन आ जाएगा, फिर हमें यू लिखना है, यू मतलब न्यूमरेटर में जो है, और ये डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये कौन से फॉर्म में है, तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है बताइए, टू एक्स, यहाँ पे एक्स मतलब आर एल हो गया। So we will have 2 times RS plus RL. I hope ये derivative आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा simplify करते, ये जो denominator में इसको उस बाजू भेज दो तो 0 से multiply होके 0 हो जाएगा, और ये जो v square है इसको भी उस बाजू भेज दो, यहाँ पे multiplied है वहाँ पे denominator में चला जाएगा, तो 0 upon anything is 0 only. So हमारे पास क्या बचेगा, we will have RS plus RL the whole square माइनस टू आर एल आर एस प्लस आर एल, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी आर एस प्लस आर एल है, यहाँ पे भी आर एस प्लस आर एल है, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कॉमन ले लेते, यहाँ पे बच जाएगा आर एस प्लस आर एल और यहाँ पे बचा है सिर्फ टू आर एल माइनस टू आर एल, दिस इज इक्वल टू जीरो। सॉरी ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, हमने सिर्फ एक आर एस आर एल बाहर लिया, तो यहाँ पे एक आर एस आर एल बच गया और ये माइनस टू आर एल आ गया। अब इसको भी ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है उस बाजू भेज दो तो वो भी जीरो हो गया। सो यहाँ पे वी हैव आर एल माइनस टू आर एल विच विल गिव अस माइनस आर एल,
एंड यहां से हमको समझ में आ गया कि आर एल इज इक्वल टू आर एस, यानी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। दिस इज द स्टेटमेंट जो हमने देखा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, और ये हमने यहाँ पे डिराइव भी करके देख लिया। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पावर ट्रांसफर का हमने वहां पे फॉर्मूला देखा था, क्या था, वी स्क्वेयर आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल। अब ये बेसिकली हम लोग थेविनिन्स के सर्किट में यूज करने वाले। थेविनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है VTH, RTH और R, ये इसका स्क्वायर है यहाँ पे। इसके अंदर आप समझिए कि हमारा जो वोल्टेज था वो VTH से रिप्लेस हो गया, RL अभी भी वैसे ही है, RS के जगह पे हम RTH लिख रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज RL की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, RTH, क्योंकि हमने बोला कि RL क्या होना चाहिए, इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस मतलब RTH है, डिवाइडेड बाय RTH RL एक ही चीज़ है, तो मैं 2 RTH ले सकता हूँ, और 2 RTH का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 RTH स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 RTH कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आ जाता है, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। अब ये फॉर्मूला देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि आप जब थेविनिन सॉल्व करते तो उसमें VTH RTH तो फाइंड करते ही हैं, तो VTH RTH आपको मिल ही जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बना के हम करंट फाइंड करते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, अंटी अनलेस आपको करंट पूछा हुआ है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हुआ है और आर की वैल्यू पूछ सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं, आर एल की वैल्यू आर टी एच के बराबर होगी। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके पावर निकाल सकते हैं। लेट अस डू अ कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स ताकि ये समझ में आ जाए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी इन लोग ने इस सर्किट में पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, थेविनिन मेथड ही फॉलो करना है। जैसे हमने बोला हम पहले यहाँ पे RTH फाइंड करेंगे, फिर VTH फाइंड करेंगे और फिर मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। सो RTH के लिए हम लोग क्या क्या करते, RTH के लिए हम लोग सबसे पहला रिमूव करते लोड रेजिस्टेंस, ये वाला लोड रेजिस्टेंस, और फिर जितने भी सोर्सेस रहेंगे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स है तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करके रीड्रॉ कर देते, ये शॉर्ट हो गया, ये 2 ओम का रजिस्टर है, देन वी हैव 1 रजिस्टर हियर, एक यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, एंड ये 2 टर्मिनल के बीच में हमको फाइंड करना है RTH। वैल्यूज भी लिख देते, तो ये हो गया 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 8 ओम। तो ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल ए टर्मिनल बी जिसके बीच में हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो RTH है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को रीड्रॉ कर देंगे विथ चेंजेस। ये टर्मिनल ए और बी जो है इसको थोड़ा सा बाहर बना देते और ये डायमंड शेप यहाँ पे बना लेते, ए और बी बाहर कर दिया। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट RTH, और ये जो ब्रांच है जो बाहर से ड्रॉ किया हुआ है इसको हम अंदर से ड्रॉ कर देते। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर हमारा 2 डेल्टा बन गया है, कोई भी एक डेल्टा सॉल्व कर लेंगे ताकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए। इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते, नाउ ये वाले डेल्टा को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको और इसको कन्वर्ट कर देते स्टार में। सो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 नोड से एक एक रेजिस्टेंस आएंगे और वो जॉइन होके बना लेंगे स्टार नेटवर्क। सो लेट अस से ये रहेगा R1, ये रहेगा R2 और ये रहेगा R3। तो ये रजिस्टर को वापस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो पहला है हमारा R1, देन ऊपर के साइड है R2, यहाँ पे है R3, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 8 ओम। तो R1, R2, R3 कैलकुलेट कर लेते। आई होप आपने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है डेरिवेशन, नहीं पढ़ा है तो प्लीज चेकआउट बाय क्लिकिंग ऑन दी टॉप राइट आई आइकन, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं वीडियो का। तो R1 फाइंड करने के लिए R1 जिस भी नोड पे कनेक्टेड था उससे कनेक्टेड दोनों डेल्टा रजिस्टर का
मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में पूरे डेल्टा के रजिस्टर्स का एडिशन यानी 4 + 2 + 2 आ जाएगा। सिमिलरली आर टू के लिए क्या आएगा, आर टू ये वाला, तो ये नोड से कनेक्टेड ये दो रजिस्टर है 4 और 2, तो 4 × 2 / 4 + 2 + 2 आ गया। एंड आर थ्री जो यहाँ पे है इससे कनेक्टेड जो दो रजिस्टर्स है वो क्या है, 2 × 2 / 4 + 2 + 2 हो गया। सो ये हो जाएगा 8/8 1 ओम, ये भी हो जाएगा 8/8 1 ओम, ये हो जाएगा 4/8 विच इज 0.5। सो ये आया 1 ओम, ये भी है 1 ओम, ये है 0.5। नाउ वी कैन सी कि ये दोनों जो रजिस्टर है ये सीरीज में है, ये दोनों भी क्या है सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा एंड दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इन सीरीज विद आर वन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आर टी एच लिख देता हूँ। तो आर टी एच क्या है यहाँ पे, ये जो 1 ओम है इन सीरीज विद ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कौन दोनों, तो ये 5 + 1 = 6 इन पैरेलल विद 8 and 0.5 विच इज 8.5। तो इसको कैलसी में कर लेंगे जब आप, ये 6 × 8.5 / 14.5 और ये +1 करेंगे तो ये अपने को आ रहा है 4.517 ओम। तो ये आर टी एच हो गया और यही वैल्यू है किसकी, आर एल के भी। तो यहाँ पे हम आर एल भी लिख देते हैं, तो आर एल भी यही हो गया 4.517 ओम। फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर एल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। नाउ वी टी एच के लिए डायग्राम बना देते हैं। वी टी एच के लिए खाली हमको आर एल निकाल के वो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो आ जाएगा हमारा वी टी एच। फिलहाल के लिए वी टी एच को थोड़ी देर के लिए भूल जाने का, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए, और आइडेंटिफाई करने का कि यहाँ पे करंट्स कौन कौन से है। तो ये एक मेश है जिसमें हम बोल सकते हैं कि करंट आई वन जाएगा, ये एक मेश है जिसमें करंट बोल सकते क्या जाएगा आई टू। तो अप्लाइंग केवीएल टू मेश वन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से जब हम जा रहे हैं सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो +50, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 I1, यहाँ पे भी -4 I1 - I2 और यहाँ पे -2 I1 - I2 = 0। ठीक है, मेश एनालिसिस कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी पहले कवर किया हुआ, इफ़ यू हैव नॉट सीन प्लीज एक बार वो वीडियो भी चेक कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 I1 4 I1 2 I1 टोटल हो गया 8 I1, जिसको हम उस बाजू भेज देंगे तो वो +8 I1 हो जाएगा और ये 4 I2 और ये 2 I2 टोटल हो जाएगा 6 I2 और ये माइनस में रहेगा दूसरे साइड जाके। इस बाजू तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है बट हम उस बाजू भेज रहे तो माइनस हो जाएगा और ये 50 इसी बाजू रख ले तो ये +50 रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया, हमने ये सारी चीज़ें उस बाजू भेज दी तो ये सब I1 पॉजिटिव हो जाएगा, I2 माइनस और माइनस प्लस है इस बाजू, उस बाजू वो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अप्लाइंग KVL टू मेश 2, सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते -5 I2, करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो हमेशा माइनस लेना है, फिर यहाँ पे 2 I2 - I1 और 4 I2 - I1 = 0। तो यहाँ पे 5 + 8 + 2 + 4 तो ये 8, 6, 14, 5, 19 हो गया, 19 I2 हो जाएगा विद अ माइनस साइन और ये 2 I1 और ये 4 I1 टोटल हो गया 6 I1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। कैलसी में आप मोड में जाके इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ अननोन 2 लेंगे और इसको पुट कर देंगे 8 - 6 = 50, 6 - 19 = 0। तो ये हमको दे रहा है I1 as 8.189 ampere और I2 दे रहा है 2.586। फाइनली हम लोग KVL लगा देते हैं फॉर VTH। VTH के लिए KVL इस तरह से लिखा जाता है कि ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल तक ट्रैवल करना है खाली,
आप चाहिए तो ये पाथ ले सकते हो, या फिर आप ये पाथ ले सकते हो, या जो पाथ समझ में आपको इजी लगे आप वो ले लो। तो व्हेन वी गो लाइक दिस, सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो हम प्लस वी टी एच ले लेंगे, फिर हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम आई टू के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, सो माइनस फोर आई टू माइनस आई वन, और यहाँ पे फाइव आई टू दिस इज इक्वल टू जीरो। सो वी टी एच बन गया, दोनों उस बाजू चला जाएगा। सो ये आई टू, फोर आई टू और फाइव आई टू, नाइन आई टू था उस बाजू, प्लस नाइन आई टू हो जाएगा, और ये जो फोर आई वन पॉजिटिव था उस बाजू जाके माइनस फोर आई वन हो जाएगा। कैल्सियम में पुट कर लेते हैं फटाक से, तो ये आ जा रहा है माइनस 9.482 वोल्ट। सो वोल्टेज नेगेटिव है का मतलब हमने जो पोलैरिटी एज्यूम किया खाली उसका ऑपोजिट हमें करना है। पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला है वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। सो ये आ गया 9.482 डिवाइडेड बाय 4 × RTH, हमको मिला है 4.517। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये आ गया 4.976 वॉट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आप देखोगे काफी क्लमजी दिख रहा है, बट आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दे दो क्या करना है। तो सबसे पहला हम लोग वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, RTH फाइंड करेंगे। RTH फाइंड करने के लिए आपको रिमूव करना पड़ेगा RL, और सारे सोर्सेस जितने भी हैं हम उनको रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इन लोग ने लिखा है 10 वोल्ट/2 ओम। इसका मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू तो 10 वोल्ट है, बट इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 2 ओम। तो जब आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे उसका रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा, और वो 2 ओम आपको कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करना है। ये ओपन हो गया तो इसको ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास और एक 2 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टर है, ये ऊपर वाला 5 एम्पियर भी चला गया। यहाँ पे जब हम आते हैं तो 2 ओम रेजिस्टर आ जाएगा, ये 5 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और इस टर्मिनल के क्रॉस जो दिखेगा वो हमारा RTH। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल हो जाता है काम हमारा। तो ये देखो 2 और 2 ओम का पैरेलल क्या आ जाएगा, 1 ओम। ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड ये जो 2 बनेगा इज अगेन इन पैरेलल विद दिस 2 ओम। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं RTH क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल विथ ये जो 1 था, 1 किसके साथ में सीरीज में था, 2 पैरेलल 2। सो आप देखो ये दोनों का इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, 1 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2, और ये 2 और 2 पैरेलल में है वापस से, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, 1 ओम। सो RTH बोलो या RL बोलो, ये क्या होना चाहिए, 1 ओम, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। अब VTH के लिए रिमूव RL। अब रिमूव RL जब करेंगे तो यही वोल्ट ये टर्मिनल पे चेक करेंगे कि इवेंचुअली वोल्टेज क्या आ रहा है। अब इतना सारा मेश यहाँ पे बन जाएगा तो ये सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करने के लिए नोडल एनालिसिस यूज कर लो, ठीक है। तो ये एक नोड बन जाएगा और ये एक नोड बन जाएगा, और आप इससे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। या आप क्या करो कि ये जो पैरेलल में करंट सोर्स और रेजिस्टर है इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, और इसके ऊपर भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। वी कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस, हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप याद रखिए कि मेश और नोडल में अलाउड नहीं है, लेकिन ये आप थेवेनिन नॉर्टन में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो पहले वाले ब्रांच में हमारे पास है 10 वोल्ट का सोर्स, 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों जो है ये कन्वर्ट होके हो जाता है सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी सेम रहेगी, बट ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आएगा I × R के फॉर्मूला से। तो I 5 है, R 2 है, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी हमारे पास ये 1 ओम रेजिस्टर है, इसका भी हमको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा। V का फॉर्मूला वन सेकेंड I इंटू आर हो जाएगा, 5 इंटू 1 आपको 5 ही देता है। एंड देन वी हैव 2 ओम 5 वोल्ट एंड इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट VTH। तो इवेंचुअली हम VTH के लिए ये वोल्टेज फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो इधर वोल्टेज फाइंड करने के लिए ये तो ठीक है आपको पता है 5 है, बट यहाँ का हमको पता नहीं क्या वोल्टेज है ना। तो इसके लिए यहाँ का करंट फाइंड करना पड़ेगा। अब करंट फाइंड करने के लिए आप क्या करो, मेश एनालिसिस अप्लाई कर लेते, ये I1 हो गया और ये I2। सो KVL2 मेश 1 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बॉटम से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो +10 -2I1 करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में आ रहा है तो 2I1, लेकिन I2 भी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लास्ट में ये -10 ले लेंगे इक्वल टू 0। अब ये जो +10 -10 है ये तो कैंसिल हो गया, ये -2 -2 -4I1 हो जाएगा, उस बाजू जाके +4I1 और यहाँ पे -2I2 है उस बाजू जाके -2I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। अभी अप्लाइंग KVL टू मेस 2 में यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये यहाँ से। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 1, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1I2 आ जाएगा, सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो हम +5 ले लेंगे, नीचे आते वक्त -2I2, नीचे आ रहे तो सेकेंड साइन माइनस है तो -5, इधर कुछ भी नहीं, ऊपर जा रहे तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो +10, करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो -2I2 -I1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी +5 -5 कैंसिल हो जाएगा। अब आप I1 का बात करोगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो +2I1 हो गया। I2 देख लो कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 2 5, तो टोटल हो गया -5 I2, दिस इज इक्वल टू -10। सो I1 I2 फाइंड करते वंस अगेन इक्वेशन में 2 अननोन, सो ये 4 -2 0 2 -5 -10, तो ये आ जाता है पहला 5/4 यानी 1.25 एम्पियर और दूसरा आएगा 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। फाइनली KVL का इक्वेशन लिख देते हैं फॉर VTH। सो VTH के लिए हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो +VTH और फिर हम यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं और ये करंट भी डाउनवर्ड है तो करंट के डायरेक्शन में है तो -2I2 और नीचे जा रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल माइनस है तो -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो VTH बन गया 2I2 + 5 इक्वल टू 0, 2 × 2.5 +5, 2.5 × 2.5 क्या हो जाएगा 10। सो VTH बन गया यहाँ पे 10 वोल्ट। और फाइनली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है, VTH² / 4 RTH। VTH यहाँ पे 10 मिला हमको, RTH हमको यहाँ पे 1 मिला, ये 4 है, सो दिस विल बी 100/4 या 25 वॉट्स। सो पावर डिसिपेटेड यहाँ पे हो गया 25 वॉट्स। सो आई होप आपको अभी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ में आ गया और प्रोसीजर भी क्लियर है। पहला 2 स्टेप्स तो हमारा सेम है जैसा थेवेनिन में हम करते, खाली 3rd स्टेप में इक्विवेलेंट सर्किट बना के करंट फाइंड करने के बजाय हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इज VTH² / 4 RTH। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।